अभी मैं सोच रही हूँ मैं बनाती हूँ तहरी। सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है 26 नवंबर 2020 और आज फिर से मौसम वैसे ही रहने वाला है, क्लाउडी और बारिश वाला। तो आज पूरे रामपुर में फिर से कर्फ्यू है, 2 डेज़ का था, 25 और 26 का। तो आज भी मैं पूरा दिन भर घर पर ही रहने वाली हूँ और मॉर्निंग से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 7:15 बजे के आसपास और थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। वैसे मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी। मैं आजकल 6:45 बजे या 5:30 बजे के करीब चली जाती हूँ और 6:30 बजे तक मैं वापस आ जाती हूँ। तो अच्छा लगता है, मॉर्निंग में जाना रूटीन सी बन गई है। और आने के बाद देखा तो हल्की हल्की बारिश लग रही थी, तो बस मौसम का थोड़ा बाहर का मतलब इन्जॉय कर रही थी। इस टाइम पे अच्छा लगता है। बाकी सब अभी सोए हैं क्योंकि विंटर्स में थोड़ी सी लेट मॉर्निंग होती ही है ठंड की वजह से। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी है मॉर्निंग का टाइम, अर्ली मॉर्निंग से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और वेदर, सो मुझे लग रहा है वेदर तो दिखाना चाहिए आपको, बहुत ही अच्छा वेदर है। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। कैसे हैं आप सब, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और 2-3 दिन से बहुत बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा बारिश, स्नोफॉल हो रहा है टॉप के माउंटेन्स में। सो चलिए बैक कैमरे से आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। सो मैंने सोचा चलिए बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आज तो क्लाउड्स बिल्कुल नीचे तक आ गए हैं और हल्की हल्की बारिश भी लगी है। सो बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला मौसम। एक्चुअली मुझे विंटर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, समर के अकॉर्डिंग में विंटर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। स्पेशली जब स्नोफॉल होता है तब तो बहुत मज़ा आता है। अभी भी वो बच्चों की तरह ना, वो बचपन की सारी यादें, वैसे ही बर्फ़ में खेलने का मन करता है अभी भी। सो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम तो यहाँ रामपुर भी काफ़ी स्नोफॉल हुआ था, मतलब अच्छा खासा हो गया था और प्लांट्स भी इतने अच्छे हो गए थे। प्लांट्स को देख के तो बहुत अच्छा मन कर रहा था, मतलब बहुत फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था क्योंकि इस साइड से सारे ड्रॉप्स पानी की पड़ जाती है प्लांट्स में, नहीं तो गर्मियों में आर्टिफिशली देना पड़ता है पानी। और यहाँ पे चाय वगैरह पी ली थी हमने और यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं वॉश कर रही हूँ। सो टाइम अभी होने लगा था 7:45 बजे के आसपास। इसके बाद आ गई हूँ मैं थोड़ा सा क्लीनिंग का काम करने। तो हमने अब विंटर्स के लिए मैट वगैरह बिछा दिए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है बिछौने डालने के बाद, थोड़ा सा कोजी कोजी लगता है विंटर्स में रूम। अगर ऐसे कुछ ना बिछाया हो तो ऐसा लगता है कि ठंड बस पाँव से लेकर पूरी बॉडी में आ रही है। इस तरह से आप बिछा के रखें तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ के लिए मैंने दूसरा झाड़ू यूज़ किया है ताकि मैट ख़राब ना हो जल्दी से, क्योंकि इस विंटर में क्लोज़ करके फिर नेक्स्ट विंटर के लिए हो जाता है अच्छे से वॉश करके। तो इस झाड़ू की यही खासियत है कि ये मैट के लिए परफेक्ट है। बाकी चीज़ों में आप इसे मतलब यूज़ कर सकते हैं बट मैट के लिए परफेक्ट है ये झाड़ू, जितना मैंने इसे मतलब ऑब्जर्व किया है। तो हमने पिछले नाइट ही ये निकाल दिया था और बिछा दिया था ताकि रूम गरम गरम सा लगे। और अब मैंने डस्टिंग और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है यहाँ पे क्लीनिंग का काम। मॉपिंग आजकल नहीं करती हूँ क्योंकि मॉपिंग से पूरा फिर रूम ठंडा हो जाता है। तो मॉपिंग का मैं कोशिश करती हूँ जब धूप अच्छी खासी हो तभी करूँ, डेली बेसिस में आजकल विंटर में नहीं कर रही हूँ। और बाहर करती हूँ वो भी तब जब मौसम अच्छा हो। तो आज तो मौसम ख़राब है तो आज मॉपिंग नहीं करूँगी। सो फिर ठंडा हो जाता है सारा रूम, फिर मैट उठाओ फिर बिछाओ, फिर उसके लिए टाइम चाहिए होता है इतना और वो सूखता नहीं है जल्दी इस वजह से। सो यहाँ पे क्यारियाँ भी हमारी काफ़ी अच्छी खासी हो गई हैं और परसों साफ़ की थी तो, और बहुत अच्छे से पानी पड़ गया है क्यारियों में और जो जो चीज़ें लगाई है उनके लिए पानी मिल गया है बहुत अच्छा खासा। सो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे शॉप से कुछ लेके छिप छिप के। हेलो 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 हेलो, क्या लेके आए आप? सो
सो यहाँ पे गाय आ गई थी पीछे घर के बैकयार्ड में, और इसे मैं दे रही हूँ चपातियाँ। रोज़ आती है बट विंटर्स में थोड़ा मुश्किल होता है, तो वेट करना पड़ता है कब आएगी, मौका देखना पड़ता है। और एक दो चपाती हम वैसे भी एक्स्ट्रा बना के रखते हैं, कभी कोई डॉगी आ जाता है, कभी गाय आ जाती है इस वजह से। इसके बाद हस्बैंड लेके आए थे ब्रेड। चलिए सुबह सुबह गौ माता को भी दे दी रोटी। कपड़े देखिए पीछे, परसों के धोए हैं, अभी तक नहीं सूखे, अभी तक ऐसे ही हैं कपड़े। हस्बैंड ब्राउन ब्रेड लेके आए थे, तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में अब ज़्यादा क्या बनाना, तो फटफट से यही बना देती हूँ, ब्राउन ब्रेड और ऑमलेट। तो ये मैंने यहाँ पे रेडी कर रही थी, टाइम 9 बजे के आसपास हो रहा है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:30 बजे के आसपास, और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, मौसम वैसे का वैसा ही है, क्लाउडी सा, और बाहर बारिश भी लगी है बहुत तेज़, क्लाउडी है, बारिश है और माउंटेन्स में लगी है बर्फ़। और मैं शाल लेके आ गई हूँ, और अभी लंच में सोची हूँ आज तहरी बनाती हूँ। तहरी जिन लोगों को नहीं पता, मतलब काइंड ऑफ पुलाव। सो मैं शिमला मिर्च डालूंगी, टमाटर और सोया बड़ी वाली मैं तहरी बना रही हूँ। सो कभी कभी अच्छी लगती है ऐसे मौसम में चटपटी सी। सो आजकल ऐसा मन करता है ना कुछ, मतलब ऐसे मौसम में चटपटा सा कुछ खाने का, और हम 3 लोग ही हैं घर पर, तो सोच रहे हैं कुछ इस तरह का बना दें, और ज़्यादा कुछ खाने का ऐसे मन भी नहीं था। और आजकल सब्जी की शॉप में जाओ तो वही कॉमन सी सब्जी, पालक साग ये सब देखने को मिलता है, तो हमने साग बहुत बार बना दिया है, तो आज सोचा कि चलो थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं, और किस तरह मैं बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और विंटर के लिए स्पेशल बहुत अच्छा बनता है, सो ज़रूर अपने बच्चों को भी आप खिला सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। सो टाइम 12:30 बजे के आसपास हो रहा है। सो बाहर का वेदर ये देखिए सेम ऐसा ही है, ठंडा ठंडा सा। और बाय द वे ये आप सोच रहे हैं कि मैंने क्या पहना है, ये है स्कार्फ, वुलन का है, ये मेरी मायके वाली मम्मी ने परसों ही मुझे दिया है, और पिछले साल बनाया था ये बिफोर मैरिज, मेरे लिए ही बनाया था बट मैंने नहीं लिया था उनसे। इस बार ठंड बहुत लग रही है, लास्ट टाइम उतनी ठंड नहीं थी, तो मैंने उनसे ले लिया, और बहुत अच्छा है, खुद बनाया, ये हैंडमेड है, आप मार्केट में भी इसे ले सकते हैं। आपके आउट ऑफ हिमाचल जो है पता नहीं पहनते होंगे कि नहीं, काइंड ऑफ टोपी है बट पीछे से इस तरह का होता है नीचे तक ये यहाँ पे, और ये बुनती डाली है इसमें साइड से, देखो बहुत अच्छा बनता है ये, मुझे तो आता नहीं बनाना बट मम्मी ने सीखा था, सो मम्मी को हमेशा सीखने की बड़ी वो रहती है, वो सीखते हैं और बना भी लेते हैं बट मुझसे नहीं होता, मैं सिर्फ थोड़ी सी वो जुराबे बना सकती हूँ, मतलब जो पाँव के लिए होती है, बाकी ये स्कार्फ वगैरह मेरे बस की बात नहीं है, बट हाँ कभी मैं सीखूँगी लाइफ में ज़रूर, निटिंग का शौक है वैसे मुझे। सो चलिए फिर चलते हैं किचन, बनाते हैं यम्मी सी तहरी, किस तरह मैं बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो गाइज यहाँ बना रही हूँ तहरी, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की है टमाटर, शिमला मिर्च, गार्लिक चिलीज, अनियन और सोया बड़ी को भिगोने को डाल दिया था, सारी प्रिपरेशन करके रखी है, और ये देखिए कितनी स्पॉन्जी सी बनी है। तो तहरी विंटर के लिए बहुत अच्छी होती है, काइंड ऑफ पुलाव है बट बहुत सारी वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आलू गोभी जो भी आपका मन हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैंने कुकर में मस्टर्ड ऑयल को डाल दिया है, मैं किस तरह बनाती हूँ आपको दिखा रही हूँ, बच्चों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को ऑयल में डाल दिया था, धनिया, ज़ीरा, प्याज, टमाटर वगैरह जो भी था कट किया हुआ, और यहाँ पे राइस भी धो के ऐसी रखती हैं थोड़ी देर भिगोने को। इसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं इसमें, और जब तक थोड़ा सा प्याज ब्राउन ना हो जाए, तो दोनों चीज़ों को साथ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि विसल आने पे ये दोनों पक जाते हैं, टमाटर भी और शिमला मिर्च भी, तो ज़्यादा आपको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती। इसके बाद मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो तेज पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, तेज पत्ता भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, तो मेरे पास तेज पत्ता नहीं था तो मैंने ये ऐड कर दिया। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर सोया बड़ी को ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा इन्हें मिक्स करने के बाद इसमें राइस भी ऐड कर दूंगी, तो सभी चीज़ों को अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर दूंगी गरम गरम पानी, अपने अकॉर्डिंग कि कितने आपने राइस लिए हैं उसी हिसाब से। तो इसके बाद इसके में जो लास्ट चीज़ मैं ऐड करती हूँ, वैसे भी सभी जब भी कुछ बनाती हूँ तो देगी मिर्च और जिंजर पाउडर, ये दोनों चीज़ें मैं डालती हूँ, और जिंजर पाउडर विंटर्स के लिए बेस्ट होता है। तो इसके बाद इसमें विसल आने देनी है, और बस आपके 10-20 मिनट्स में आपकी तहरी तैयार है।
और ये देखिए गाइस कितनी डिलीशियस लग रही है देखने में, और चावल इतने अच्छे बनते हैं ना खिले खिले से, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत सारी वेजिटेबल के साथ बना सकते हैं। तो ये देखिए सोया बड़ी की तहरी काइंड ऑफ पुलाव आप बोल सकते हैं बनके तैयार है, घी के साथ सर्व कर दिया है। और मेरी रोटी तो अचार के बिना अधूरी है, तो मैंने थोड़ा सा अचार ले लिया है और हीटर सेकते सेकते हम खाना खा लेंगे। टीवी भी चला है, तो बाहर का वेदर है गाइस कुछ इस तरह का। और ये है गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग की 10 बजे के आसपास का मैंने शूट किया था, यहाँ हस्बैंड सारी मूँगफली चट कर दी है इन्होंने। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तो काफ़ी अच्छी, 27 है आज, तो काफ़ी अच्छी सी धूप खिल गई थी। तो इस व्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो आज का व्लॉग कल आएगा तो यहीं से शूट करूँगी। तो आज मुझे सेंटर भी जाना है। बाहर का वेदर देखिए, आज तो बिल्कुल नीला आसमान है, और पिछले कल देखिए कैसा मौसम था। तो चलिए गाइस कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा तहरी की रेसिपी कैसी लगी, कैसा लगा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइस, लॉट्स ऑफ लव।